ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਵਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਕਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੀ ਇਕਾਗਰ। ਦੇਵੋ ਅਸੀਸ ਕਹੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਅੱਠਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਿਆਗੀ ਐ ਗੁਮਾਨ ਮਾਨ, ਭੇਖਤਾ ਦਿਆਲ ਲਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਨ ਚਰਨ ਰੇਨ, ਤਿਆਗੀ ਐ ਗੁਮਾਨ ਮਾਨ, ਭੇਖਤਾ ਦਿਆਲ ਲਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਨ ਚਰਨ ਰੇਨ ਰਹਾਉ, ਹਰ ਸੰਤ ਮੰਤ ਗੋਪਾਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਹਿਰਦੈ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਏ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮੋਹਨਾ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆ ਮਇਆ ਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਤਜ ਮੋਹ ਭਰਮ ਸਗਲ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆ ਮਇਆ ਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਤਜ ਮੋਹ ਭਰਮ ਸਗਲ ਅਭਿਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਖਾਓ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਗੁਮਾਨ ਮਾਨ, ਭੇਖਤਾ ਦਿਆਲ ਲਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਨ ਚਰਨ ਰੇਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਅੱਠਵਾਂ,
कानड़ा राग है। महला पंजवा भाव पंचम पातशाह शहीदों के सरताज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी द्वारा उच्चारण की हुई पावन पवित्र बाणी। घर अठवां भाव अठवें घर विच अठवें सुरताल दे विच इस पावन पवित्र शब्द नूं गाउणा। एक ओंकार एक भाव एका ब्रह्म अदुती ब्रह्म जिहदा होर कोई दूसरा शरीक नहीं है, जिहदे वर्गा कोई होर नहीं है। ओंकार ओंकार तो भाव कि जिहड़ा सारे पासे पसरिया होया है, सृष्टि के कण कण विच जिहड़ा रब जिहड़ा परमात्मा रमिया होया है। सतगुर प्रसाद ऐसे रब दे नाल परमात्मा नाल सांझ किवें पैंदी है? सतगुर प्रसाद जिहड़ा रब वर्गा ही सदा इत्थे रहण वाला सतगुरु है। जे रब कदे नाश नहीं हुंदा तां सतगुर भी कदे नाश नहीं हुंदा। इस वास्ते रब दे नाल मिलाप भी केवल सतगुरु की कृपा दे द्वारा हो सकदा। सो गुरुदेव कृपा करते ने, त्यागी गुमान मान हे भाई अपने मन के विचों गुमान मान त्याग दईए कि असी की हाँ, असी कौन हाँ, असी किहो जिहे हाँ, साडी किड्डी वड्डी हस्ती है। ये गुमान मान मन के विचों त्याग दईए जे धर्म कमाउणा है तां, क्योंकि धर्म के रस्ते विच सब तो वड्डी अड़चन रुकावट साडा आपा ही आउंदा। जदों असी अपने आप नूं मिटाउण दा यतन नहीं ना करदे, मिटा नहीं पाउंदे, उदों धर्म दी दुनिया दे विच अगे नहीं वध सकदे, धर्म दे मार्ग दे उत्ते पैर नहीं रख सकदे। चलना ते बड़ी दूर दी गल है, क्योंकि हंकार रब नूं परमात्मा नूं पाउंदा ही नहीं है। सो इस वास्ते सतगुरु कहिंदे कि सब तो पहलां तां जे धर्म के मार्ग से चलना है, धर्मी बनना आ, धर्म कमाना आ, तां सब तो पहलों अपना आप दे अंदरों आपे नूं खत्म कर दे। त्यागी है गुमान मान, अपने अंदरों हंकार छड, मान त्याग दे अपना। क्यों छड़ा मालक ये भी दस दो। तां सतगुरु कहिंदे पेखता दयाल लाल, क्योंकि तैनूं ना सोहना दयालू परमात्मा वेख रहा। तेरा हंकार, तेरा मान, तेरा अंदर, तेरा आपा रब तो परमात्मा तो छुपया होया नहीं है। इस वास्ते छड़ दे कि तैनूं वो सदा ही वेखदा है, सोहना परमात्मा, दयालू परमात्मा। ते जदों साडे मन नूं गुरु की गल दे उत्ते विश्वास होया, असी फिर पुछया गुरु नूं कि सचमुच ही सतगुरु पातशाह रब वेंदा? तां सतगुरु कहिंदे हाँ हाँ, कहिंदे हाँ हाँ। जदां आपां कोई गल दुबारा पुछे तो आपां दो वार कहिंदे हाँ हाँ, सतगुरु कहिंदे हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रहे कि दयालू परमात्मा सोहना रब तैनूं सदा वेख रहा। ते फिर मालक मैं की करा? तो सतगुरु कहिंदे मन चरण रेन रहाओ, अपने मन नूं चरणा दी धूड़ बना ला। ये रहाओ वाला बंदा है सतगुरु का शब्द का। कहिंदे ने गल शुरू करदे आ कि त्यागी है गुमान मान। हुण जिहदे अंदर गुमान मान है वह चरण धूड़ ते हो नहीं सकदा, वो सिर दी खाक बन सकता, अपने वास्ते परेशानी खड़ी तो कर सकता, दूसरे वास्ते खड़ी कर सकता, पर किसी नूं उहदे कोलों उहदे मिलाप दे द्वारा सुख नहीं प्राप्त हो सकता, ना ही उहदे अपने मन नूं सुख मिल सकता। क्योंकि सब तो भैड़ी चोट है हौमे नूं चोट लगनी, हंकार नूं चोट लगनी। जदों किसी की हौमे नूं सट वजदी है ना, सब तो वध गुस्सा उन्हों उदों आउंदा। यह भी हो सकता है कि कोई अपने तन ते लगी चोट सहार जावे,
पर जदों हौमे ते चोट वजदी है वह किसी विरले को सहारी जाती बंदा फिर कहता मैं मैनू समझा की इन्हें मैनू जानदा नहीं मैं फलाना ये हौमे है गल की चोट वजगी सट वजगी तो इस सट ने बहुत दुखी किया। तो सतगुरु कहते जी चीज़ तेन दुखी करती त्याग ही दे छड़ दे उस चीज़ को जी चीज़ तेन तंग करती है। तो सतगुरु कहते आ कि त्यागी है गुमान मन पेखता दयाल लाल क्योंकि सोहना परमात्मा दयालु परमात्मा तेन वेख रहा है। हाँ हाँ भाव यकीन कर इस गल का भरोसा करके तेन वेख रहा है। इस वास्ते की कर मन चरण रेन हे मन चरणा की धूड़ बन जा रहाओ दा विश्राम देंदे ने रहाओ हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान इनू त्याग के ते इहदी चोट तो बचन वास्ते की कर हर संत मंत जिहड़ा गुरु का मंत्र है जिवें आपां गुरबाणी पढ़ते सुनते हैं ना ये गुरु का संत का मंत्र है जिन्हों ये प्राप्त हो जाता ना सतगुरु कहिंदे आ फिर वो इस परमात्मा के मंत्र का इस ज्ञान का ध्यान धरता क्योंकि ज्ञान सब तो सर्वोत्तम ज्ञान आ सब तो उपरला ज्ञान। कई बार बंदे नूं दुनियावी संसारक ज्ञान वध होवे ना ते तां वी हंकार आ जांदा मन दे विच मैं दूजियां नूं ज़्यादा जानदा मैनूं दूजियां नूं ज़्यादा पता जिन्नी दुनिया मैं वेखी आ उन्नी किन्ने वेखी आ मैं सारे पत्तरां दा पाणी पीता बस इदां दीआं गल्लां जदों अपने आप नूं पेश करना जां दूसरिआं नूं छोटा सिद्ध करना ते फिर इहो जिहे जुमले इहो जिहीआं गल्लां फिर अगे इंसान पुट पुट के लिआउंदा। ते गुरदेव पता की कहिंदे आ सतगुरु कहिंदे आ आसा राग दा शब्द है पावन पवित्र सतगुरु कहिंदे आ कि सतगुर ते गुण उपजै जां प्रभ मिलै सोए वह गुण नहीं है जिहड़े तू अपने आप समझी बैठा उन्हां गुणां वालिआं नूं तां सतगुरु कहिंदे कि नानक ते नर असल खर वह असल खोते ने जो बिन गुण गर्भ करंत जिहड़े गुणां तो बगैर हंकार करदे गुण भी कोई नहीं पर कहिंदे आ कि असी सब कुछ हाँ कहिंदे ने कि वह सियाणे ना समझो खर कहिंदे आ खोते नूं कहिंदे ने कि वह असल खोते ने गुण भी कोई नहीं ते हंकार भी बड़ा कि साडे वर्गा कोई नहीं। सो सतगुरु बख्शिश करते हैं कि गुण तो वह ने जोड़े सतगुरु तो उपजते आ सतगुरु ते गुण उपजै जा प्रभ मिलै सोए जे परमात्मा सतगुरु ना मिला दे क्योंकि सतगुरु ना मिलना भी एडा सौखा नहीं है बहुत औखा बंदा होर मेल जोल बहुत वधा लैंदा घंटिया बद्धी बह भी लैंदा पर गुरु को आके गुरु नूं मिलना ये वास्ते बहुत औखा उदों दे कोल टाइम घट जाता उदों समा नहीं हुंदा इहदे कोल ते होरना थावां दे उत्ते भावें घंटिया बद्धी मगजमारी करदा रहे उदों टाइम नहीं खराब हुंदा। तो कहिंदे ने कि सहजे नाम ध्याइए ज्ञान प्रगट होए जदों गुरु मिल पवे ना गुण चाहिए आ तां टिक के परमात्मा का नाम ध्याना चाहिए। सहजे नाम ध्याइए ज्ञान प्रगट होए कहिंदे ने फिर ब्रह्म ज्ञान प्रगट होगा। तो जिहड़ी गल गुरु अर्जन देव महाराज कानाडा राग च कर रहे आ उही गल इत्थे कर रहे ने कि ये मन मत जान है हर दूर है ये मन मतां किते जानी कि रब दूर आ परमात्मा दूर है ये मन मत जान है हर दूर है सदा वेख हदूर सगों उनू सदा ही हाजर नाजर वेख कि रब तां सदा हाजर नाजर है हर थां ते मौजूद है। फिर कहिंदे ने कि सद सुणदा सद वेखदा
ये शब्द जिते सतगुरु कह रहे हैं ना कि पेखता दयाल लाल, सोहना दयालु परमात्मा तेनू वेख रहा। तो आसा राग वाले शब्द कहिंदे कि सद सुणदा, वह कला वेखदा नहीं तेनू सुणदा भी, तो सुणदा उत कली तेरी गलबात नूं नहीं आ जिहड़ी तू मूहों बोलदा। हुण वह बिन बोलिया भी सब कुछ जानदा, जो तू नहीं ना बोलता, जो केवल तेरे ख्याल बोलते ने, तेरे फुरने बोलते ने, रब तो वह भी सुनता। उद को तू लुकया होया नहीं, ना ही कुछ लुका सकता। सद सुनता सद वेखदा शब्द रहा भरपूर, वो अपने शब्द के रूप के सारे थां ते भरपूर भाव पूरिया होया आ शब्द के रूप के। सो इस वास्ते सतगुरु पातशाह जी इस विचार विच भी कह रहे हैं कि इस गल का भरोसा विश्वास मन में बनाओ कि परमात्मा अकाल पुरख वाहगुरु तुहानू वेख रहा आ। इस करके अपने मन के विचों गुमान हंकार त्याग दो, छड़ दिओ। ते की करो, हर संत मंत जो हरी दा मंत्र गुरु वालों सानू प्राप्त हुंदा, इत्थे संत तों भाव है गुरु। हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान, जिहड़ा तुहानू हरी दा शब्द संत गुरु वालों प्राप्त हुंदा, शब्द गुरु वालों, वह गोपाल दे ज्ञान रूपी शब्द रूपी ज्ञान दे विच तू ध्यान ला, अपनी लिव जोड़। ये तेरे करन जो गोचरा काम है, जो तू नित करना है, सतगुरु बख्शिश करते ने। हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान, हिरदय गोविंद गाए चरण कमल प्रीत लाए। कहिंदे ने जिहड़ा हिरदे दे विच परमात्मा दे गोविंद दे गुणा नूं गाउंदा आ, ते गाउंदा किवें है, चरण कमल प्रीत लाए, परमात्मा दे सोहणे चरणा दे नाल, कौल फुल वर्गे सोहणे चरणा दे नाल प्रीत ला के गाउंदा। गाउण गाउण विच भी फर्क आ, एक हुंदा आ कि बदो रीती गाउणा, एक हुंदा प्रेम नाल गाउणा। ते परमात्मा नूं, रब नूं, गुरु नूं पता किहड़ा गाया पाउंदा, जिहड़ा उहदे चरणा दे नाल प्रीत ला के गाया जावे। गाउण नूं ते उह वी गाउंदे आ जिन्हां नूं चंद पैसे दे के कुछ गाउण वास्ते मंगवाया जांदा, ते गाउंदे उह वी ने जिहड़े निरस्वार्थ हो के मौज विच परमात्मा दे गुण गाउंदे। जिवें कोई अमृत वेले उठदा होवे, परमात्मा दी बाणी नूं गाउंदा होवे पूरी भावना दे नाल, प्यार दे नाल, उहदे गाउण दे विच ते दूसरे गाउण विच बड़ा ज़्यादा अंतर है। इस वास्ते सतगुरु जिथे गाउण की हदायत करते आ, उत्थे सानूं दसदे भी आ कि गाउणा किवें है। क्योंकि जे बद्धा चट्टी भरेगा ना सतगुरु की बाणी के वचन ने, कि जिहड़ा बद्धा चट्टी भरदा आ उहनूं ना कोई उहदे विच गुण प्रगट हुंदा है, ते ना ही वह कोई उपकार कर रहा, किसी नूं भी कोई फायदा नहीं। गुण अपने अंदर प्रगट होणगे ते अपने आप नूं फायदा होगा, ते जे आप भावना नाल प्यार नाल गा रहा तो फिर सुनने वाले नूं भी जरूर फायदा होगा, क्योंकि प्यार दे नाल गाए हुए दा ही अगे असर हुंदा। जे भावना नहीं, प्यार नहीं, तो सतगुरु कहिंदे गाव्या भी प्रवान नहीं है। अनेक वचन जाप जी साहब विच वेखो गावे दे बारे कितना ज़्यादा विस्तार सतगुरु पातशाह जी ने किया हो, किन्ने जाने उन्हों गाँवे आ, किन्ना विस्तार किया सतगुरु पातशाह जी ने। फिर अखीर कहिंदे आ कि उही असल च गा रहे जिहड़े तैनूं चंगे लगदे आ, जिहड़े तैनूं भाउंदे आ गाउंदे, ते भाउंदे उहनूं कौन ने जिहड़े प्यार नाल गाउंदे आ, भावना नाल गाउंदे, विश्वास नाल, श्रद्धा दे नाल गाउंदे ने। सतगुरु कहिंदे आ कि हिरदय गोविंद गाए, अपने हिरदे दे विच गोविंद दे गीतां नूं गाया कर, गोविंद दे गुण गाया कर। गाउणे किवें ने, चरण कमल प्रीत लाए, परमात्मा दे सोहणे कौल फुल फुल्लां वर्गे चरणा दे नाल प्रीत ला के गाया कर।
ये नाल की होवेगा दीन दयाल मोहना किंद ने कि यह जिहड़ा गाउणा आ ना दीन दयाल नूं गाउणा दीना ते दया करन वाले नूं गरीबां ते दया करन वाले नूं निमाणियां ते निताणियां ते दया करन वाले परमात्मा नूं जिहड़ा गाउणा आ यह गाउणा मन नूं मोह लैण वाला है। भाव जदों तू भावना नाल गावेगा ना तो मन मोहया जाएगा रब का भी परमात्मा का भी गुरु का भी तो जिहड़े तैनू गाउंदे नूं सुन गए उन्हां दा भी मन मोहया जाएगा जितने भी सुन गए। गुरु नानक साहब महाराज जदों कीर्तन करया करदे सन भाई मरदाना जी रबाब वजाया करदे सन तां जिथे इनसान सुनदे सन उत्थे पशु पंछी जहरीले नाग जंगलों के खतरनाक जानवर इतों तक कि हवा भी चलती हुई सतगुरु के इन्हों गीतों सुनया करती सी रुख बिरख चलते हुए पानी इंज लगता सी कि सतगुरु के वचन सुन वास्ते रुक गए हो इन्नी शांति वरत जाती। सो सतगुरु कहते हैं कि इस तरीके दे नाल उहदे गुण गाइए कि सुन वाले का मन मोहया जाए तो जे तेनों आनंद आएगा ना गाने तो यकीनन दूसरे नूं जाएगा। सो सतगुरु पातशाह बख्शिश करते ने हिरदे गोविंद गाए चरण कमल प्रीत लाए दीन दयाल मोहना कहिंदे ने कि दीना ते दया करन वाले परमात्मा दे जे तू गुण गावेगा तां ये मन नूं मोह लैण वाले गुण होणगे जिहड़ा भी सुनेगा उहदा मन मोहया जाएगा। सतगुरु पातशाह अगे बख्शिश करते ने किरपाल दया मया धार। हुण जदों पिछलियां पंक्तियां विच सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सानूं समझाया साढ़े ते तरस करके सानूं वडमुली सिक्ख्या दित्ती गाउण दा महात्म दस्या गाउण दा फल दस्या तां फिर असीं गाउण वालिआं ने रब जी अगे एक बेनती कीती अरदास कीती जो सानूं सारिआं नूं करनी चाहीदी। गुरदेव कृपा करदे ने कि उस परिपूर्ण परमात्मा नूं संबोधन हो के ये अर्ज करो किरपाल ये कृपा दे सागर दया मया धार तरस कर। मया तो भाव भी तरस हुंदा बख्शिश भी हुंदा धार तो भाव है धारनी करनी। ये अरदास करिए कि जो तुसी करन वास्ते कह रहे हो सब तो पहला कदम पुटना है साढ़े वास्ते बड़ा औखा अपनी होमे नूं त्यागना मान गमान नूं त्यागना अपनी होंद हस्ती नूं मिटाउणा साढ़े वास्ते तो यही बड़ा औखा अगले कदम असी किवें पुट पावांगे। तुसी आप ही कृपा कर दिओ क्योंकि तुसी कृपालू हो किरपाल ये कृपा दे सागर दया मया धार आप दया कर साढ़े ते साढ़े ते बख्शिश कर तां जो असी ये काम नूं कर सकीए इस कार्ज नूं कर सकीए। तो कहिंदे आ कल्ली अरदास ही नहीं करनी कुछ मंगना भी है। मंगना की है नानक मंगै नाम दान। सतगुरु कहिंदे आ कि मंग कि नानक तां तेरे दर तों नाम दा दान मंगदा। अक्सर एक बेनती की जाती है कि ठीक है असी सब कुछ गुरु को मंगना जितना भी संसारक सुख सहूलत ने जितना भी धन पदार्थ है जितनी भी अपनी शोभा माण मड़ियाई है जितने भी रुतबे ने ये सारे देने गुरु ने ही है तो असी मंगने भी गुरु के कोलों ही हैं। पर ये मंगते मंगते असी असल चीज़ मंगनी भुल जाने हालांकि जितनी वार भी अरदास हुंदी है उतनी वार ही ये दान मंगन की गल आउंदी है सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान सारे किस्म का दान मंग के ना अपने शख्सी रहनी दे बारे
कि मालक साड़ी ऐसी रहनी बन जावे, सानू केस दान विच दिओ भाव कि असी केसां नाल प्यार कर सकीए, सिक्खी का दान बख्शिश करो तां जो असी सिक्खी नूं सिक्ख्या दे रूप दे विच अपने जीवन च धारण कर सकीए। सिक्खी की है? सतगुरुआं दे बचन ने कि सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार। सारी उम्र सिख ने गुरु कोलों सीखना, कदे ये नहीं अपने मन दे विच मन के बैठ जाना कि मैं तो हुण सारा कुछ सीख लिया, मैनू हुण सीखण दी की लोड़ है। सिख ने हर रोज़ गुरु कोलों सीखना। जदों आपां सतसंगत विच आउंदे आ ना, गुरु की सतसंगत दे विच, तां सतगुरु अमृत वेले तो लैके बख्शिश करनी शुरू कर दिंदे आ। जदों पावन मुबारक पहले मुखवाक हुकमनामा साहब बख्शिश हुंदा ना, तां सब तो पहली सिख्या सानूं उह हुंदी। उह तो बाद नितनेम दीआं बाणियां शुरू हुंदियां ने, एक ओंकार तो लैके आनंद साहब तक जितनियां बाणियां पढ़ियां जांदियां ने सारी सिख्या है साढ़े वास्ते। तो जे इस सिख्या नूं असीं ग्रहण कर लईए, थोड़ा थोड़ा भी साढ़े जीवन विच सिख्या वसदी जावे, तां इह महसूस करांगे कि जितना सानूं दुनियावी संसारक ज्ञान सी ना, वह तो इस सिक्ख्या के सामने कुछ भी नहीं, एक अंश मात्र भी नहीं, बिल्कुल अदना जा तुश जा ज्ञान है जिहड़ा सानू संसारक है, दुनियावी ज्ञान है। असल ज्ञान तो गुरु साहब बख्शिश करते हैं, जो उन्हां दी पावन बाणी दे विच सानू पल पल ज्ञान वो मिलता है, पर साढ़े भाग ऐसे होंगे कि असी उस ज्ञान नू प्राप्त नहीं कर पाते, धारण नहीं कर पाते। सो इस वास्ते जिथे होर चीज़ा धन पदार्थ के रूप में कई होर तरीकों दियाँ आप मंगते हाँ, उत्थे जदों अरदास दा ये बंद ये पदा ये पहरा आउंदा, तां इहदे नाल नाल अपनी सुरत नूं तोर के ये दान भी मंग लईए कि जिहड़ा दाना दा श्रोमणी दान है वो नामदान है, इहदे नाल ही सानूं आत्मक सुख प्राप्त होना। क्योंकि जे असी जीवन च सुखी होना आ, बाकी होर किसी चीज़ के नाल नहीं हो सकते। जिहड़ा घड़ी बैठ के नाम जप लैंदा, जिहड़ा घड़ी बैठ के रब रब कर लैंदा, परमात्मा का सिमरन कर लैंदा, असल अंदर का सुख उन्हूं प्राप्त हुंदा। जे बहुत ऐसे ने जिहड़े संसारक कार विहार करते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते आ, भाई इन्ना टाइम भी नहीं उन्होंने कोल हुंदा कि वह सिमरन बैठ के कितने चंद मिनट कर लैन, इस करके बहुत दुखी ने। बड़े बड़े दुखी तुहानूं मिल जाणगे जिन्हां दे कोल धन पदार्थ दे अंबार लगे हुए, ढेर लगे हुए आ पदार्थ दे, कोई अंत ही नहीं, बेशुमार है, पर अंदर का सुख नहीं है। क्योंकि मंगया नहीं कभी गुरु के कोलों, गुरु तो उही चीज़ देवेगा ना जिहड़ी असीं मंगांगे। तो जे असी मंगया नहीं तो फिर ये धन तो खास करके जो नाम का बंदगी का सिमरन का धन है, आत्मक सुख की दात है, ये तो दरगाही दात है, सचखंड वालों आने वाली दात, जिदे उत्ते गुरु नानक साहब महाराज तरस कर लेंदे आ ना, उहदी झोली जे दात पाउंदे आ, जिन्हों आत्मक सौ तौर पर सुखी करना हुंदा, जिन्हों सचमुच ही सुखी करना हुंदा ना, उहदी झोली तरस करके मालक ये दात पाउंदे आ, तो ये मंगनी भी चाहिए है गुरु के कोलों। सो गुरदेव बख्शिश करते हैं, कृपाल दया मया धार, ये कृपा दे सागर, दया करो तरस करो साढ़े उत्ते, नानक मंगै नाम दान, नानक तुहाडे चरणा चों तुहाडे दर तों नाम का दान मंगदा है, इस करके मैनू नाम का दान दिओ, ये मेरी झोली च पा दिओ। तो सतगुरु पातशाह फिर कहिंदे आ कि फिर अंदरों आवाज़ आई जो गुरु ने पहले पदे विच भी पहले बंद विच रहाओ वाले बंद विच भी दित्ती कि मिल जाएगा ये दान, पर मिलेगा किवें? तज मोह भरम सगल अभिमान, तू अपने अंदरों तज दे, तज तो भाव हुंदा छड्डना, की छड्डा मालक? होर कहिंदे कि एक तां मोह छड्ड दे,
जे तेरे अंदर मोह बैठा होया है ना किसी भी किस्म का, तां तेरा प्यार परमात्मा दे नाल नहीं पै सकदा। मोह एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी बंदे नूं धर्म के मार्ग तो भड़का दिंदी, लांभे लै जांदी। मोह सानूं औलाद के रूप में खास करके परिवार के जीआं के रूप में ज़्यादा प्रभावित करता मोह। तो आपां कुछ भी ना करना होवे तो जे कि एहो जी सानूं कोई दिक्कत आ जाए जिहड़ी साडी औलाद दे उत्ते जां औलाद दे बारे कोई मसला होवे तो आप फिर उत्थे बड़े बड़े जिहड़े आ ना उह टह जाने फिर उत्थे कि औलाद बदले ते सारा कुछ कर दिंदे आ। तो जे इत्थे कोई मुश्किल आ गई तो फिर औखा हो जू कम, उत्थे फिर असीं समझौता करना शुरू कर दिंदे आ सिधांत दे नाल भी झुक जाने औलाद दे मोह दे अगे। सो कहिंदे ने कि इस किस्म का मोह भी तज दे कि तेरे रस्ते विच इह भी अड़चन ना आवे। एक ना बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे समय ना एक नौजवान की इतिहासिक गाथा सच्ची घटना सामने आउंदी है, जदों अजे आनंद कारज करके घर ही आए सन। हकीकत सिंह उहदा नाम है, सिंह दा हकीकत राय करके भी इतिहास में आउंदा। तो अजे डोला घर ही गया सी कि मुगलों के सिपाहियों ने फड़ लिया, तो उन्हां 700 सिंघां दे विच शामिल करता जिन्हां दे विचों 100 सिंह नूं रोज़ शहीद कराया करते सन बाबा बंदा सिंह बहादुर के सामने। माता पुत्र मोह के अधीन होकर हरकशेर बादशाह दे कोल चली गई ते जाके कहिंदी कि मेरा पुत्र तां हिंदू है सिख नहीं है, तो उन्हूं भुलेखे नाल फड़ लिया आ। अजे तो मैं नूह लैके घर आई हाँ, अजे तो पानी नहीं वारिया, इन्होंने बाहरों ही उन्होंने फड़ लिया, तो इस करके उन्होंने ना मारिया जाए। जिहड़ा फरकशीर बादशाह सी ना वेखो रोज़ 100 शहीद करते सी, तो कल्ले कल्ले नूं पुछदे सी कि इस्लाम धर्म कबूल ही, जे मुसलमान होना मानता है तो तैनू छड़ दिंदे। उन्होंने कन्न तरस गए सन यह सुन वास्ते कि एक भी सिख आख दे कि मैनू इस्लाम धर्म कबूल आ, मैं सिख नहीं हाँ। पर उन्होंने कन्ना च अजे तक एक भी सिख ने यह आवाज़ नहीं सी पाई, सगों जदों मारन वास्ते लियाउंदे सन 100 सिंह नूं लाइन ला के खिलारना, तो सिंघां ने आखना मुक्ता पहलों मैं, मुक्ता पहलों मैं, मुक्ता कहिंदे मुक्ति दे जलाद नूं कहिंदे सन, कह जलाद पहलों मैनू शहीद कर, पहलों मैनू शहीद कर। इन्ना चा मरन दा धर्म तो। सो जदों उस मां ने मोह वस हो के चिट्ठी लिखवा ली एक फरकशेर बादशाह दे कोलों ते मौके ते लै गई कतलगाह दे विच, उहदे पुत्र नूं ना एक बुट गड्डिया होया सी ते जलाद ने हत्थ विच तलवार फड़ी हुई सी टोका जिदा हुंदा, ते उहदे पुत्र दी धौण उत्ते टिकाउण ही लगे सन कि उहने चिट्ठी जा के दौदा फड़ा दित्ती। चा चढ़ गया काजी नूं, मौके दे उत्ते जिहड़े अहलकार सन उहनां नूं भी खुशी हो गई, चढ़ गई कि चल एक ते गया ना, असीं कहण जोगे ते हो गए ना कि एक नूं असीं मना लिया। उहनूं कहिंदे वी जा वी नौजवाना जवानियां माण, तैनूं नहीं मारिया जाएगा। वो कहिंदा क्यों नहीं मारिया जाए, कहिंदे कि तेरी माँ आई है वो कहिंदी है कि तू हिंदू है तू सिख नहीं है, तो इस करके जा घर जाके जवानियां माण। वो कहिंदा माँ नूं सामने लो मेरे, जो माँ सामने लिया गया कहिंदा ये मेरी माँ ही नहीं। वो कहिंदे की गल करदा है, माँ भी रो रो के आखे कि मैं तेरी माँ हाँ तू मैनूं पछाणदा क्यों नहीं। तो हकीकत सिंह नौजवान वो कहिंदा कि वह मेरी माँ हो ही नहीं सकती जिहड़ी पुत्र मोह विच फस के ते मैनू सिख होण तों मुनकर कर रही होवे कि मेरा पुत सिख नहीं। उस समय काफी खान वर्गे इतिहासकार चश्मदीद गवाह मौके ते बैठे जिन्हां ने यह चीज़ अपनी अखां दे नाल वेख के लिखी कि हैरानी हुई
कि वह काला पै गया सगों कि मुक्ता देर क्यों कर रहा है। मैनू भी मेरे वीर उस कतार शामिल कर जिथे मेरे वीर गए ने, मैं भी बापू की गोद में शामिल बैठना चाहना हाँ। ये मेरी माँ नहीं, मेरा बापू गुरु गोबिंद सिंह है, तो मेरी माँ माता साहिब कौरा। ये मेरी माँ किवें हो सकती? तलवार चली, भाई हकीकत सिंह का सीस लथा, तो गुरु की गोद में जाके विराज गया। ये धर्म है, ये सिखी है। सिखी निक्की निक्की गलों तो रुसन का नाम नहीं है। कोई एक चीज़ पूरी मंग पूरी ना हुई तो आप गुरु के चरणों में छड़ के चले गए। कोई सवेरे सिख सी, शाम को उन्हें किसी ने छोटा जिहा लालच दिता, कोई क्रिश्चन बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। ये सिखी थोड़ा। यहो जे डिगण वालों तो कोई भी नहीं रोक सकता। कल होर वड्डा लालच कोई देगा तो होर कुछ बन जूगा। वो कि गल है, बकाऊ बंदा की है, वह तो डिग ही जाता कितने। पर जिन्हें नहीं झुकना, वह तलवार भी लड़क रही हो, सिर भी लगता हो, भी वह इस मार्ग तो पिछे नहीं हटता। तो कला गुरु साहब ने भगत साहबान के वचन भी पढ़ो। गुरु साहबान के भी वचन ने, सतगुरु पातशाह ने बाणी के सिक्ख्या सूँ यह दी है, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मरियाओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। कल शहादत का दिहाड़ा लंघ के गया है। भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखे का, जिन्हें फौज का जनरल बन के अरुण कुमार वैद्या ने हरिमंदर साहब अकाल तख्त की बेहमती की। पुणे जाके उन्होंने सौदा लाया। तो भाई हरजिंदर सिंह जिंदा तो सुखदेव सिंह सुखा ते केस चलिया। साबित ही नहीं होया कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया। जज बरी कर लगा, कलम चुकी बरी करने वास्ते। भाई सुखदेव सिंह ने कहा कि जज साहब एक मिनट रुक जाओ, असी मानते हाँ कि असी जनरल अरुण कुमार वैद्या मारिया। क्यों? क्योंकि उन्हें साढ़े पाक पवित्र थान के उत्ते फौज चढ़ाई, पावन स्थान ढह ढेरी किया, दे कितने सिंह सिंघणिया बच्चों बजुर्गों शहीद किया, कितने बेपत किया। ये साढ़े धर्म का दोषी से असी मारिया, असी इन मानते। जज कहिंदा पहलों तुहाडे ते साबित नहीं होया, इस करके तुहानू सजा नहीं दे सकदा। कहिंदे असी हल्फिया बयान दिंदे हां लिख के। एक गल उन्होंने कही, कहिंदे कि यह है तुहाडी न्याय प्रणाली, यह है तुहाडा कानून। इत्थे गुनाहगार गुनाह करके भी साफ बरी हो सकता, निकल सकता। तो इत्थे बेगना नूं फांसी भी लाई जा सकती। की तुहाडा कानून? जज ने जदों उन्हां दे बयानां दे उत्ते मौत की सज़ा लिखी है ना, कहिंदे ने कि वह जकारे छड़ रहे सन, तो जज का हाथ कंब रहा, कलम कंब रही। तो कल के दिन जो उन्होंने फांसी लाई ना, आप खुद फांसी के तख्ते वल जकारे लाते गए। उन्होंने एक किताब है जेल चिट्ठिया, भाई हरजिंदर सिंह जिंदा सुखदेव सिंह सुखा की किताब है जेल चिट्ठिया। वो कित पढ़ के वेखियो, उन्होंने खुद लिखी है सारी दास्तान। क्योंकि भाई जिंदा जी की भैन ने अज भी महाराज उन्होंने लंबी उम्र बख्शिश करे, उन्होंने मिलाप हों जिंदा, तो वो दस दे उन्होंने चिट्ठिया। उन्होंने कहा कि वीर जी तुम लिखो जो तुम किया। उन्होंने जिने सोधे लाए ना, जिने दोस्तों दिली दंग्या के दोषियों भी सोधिया, उन्हें सारा कुछ आप लिखा। जेल की कली कली हकीकत लिखी है कि किवें असी रहे चढ़ती कला के। तो कहिंदे ने कि जदों जज ने सज़ा सुनाई, जज नूं कहिंदे कि असीं पार्टी देनी है। जज ने कहा कि मैं इहदी इजाजत नहीं दे सकदा। कहिंदे फिर सानूं इन्नी इजाजत दे दिओ कि असीं मिठाई खड़नी जेल च। जेल च मिठाई लैके गए, तो जदों सारे ने मिठाई फड़ी, बड़े खुश के बरी हो गए होने। जदों पुछिया ना कि सज़ा माफ हो गई, कहिंदे नहीं फांसी हुई है, सारे दे हत्थां च फड़ी रह गई। पर वो कहिंदे कि असीं मिठाई खाधी, तो जिस दिन फांसी के तख्ते से चढ़ना सी, कहिंदे रात असी आप सोहला साहब का पाठ करके सुते हैं, पूरे आनंद नाल नींद ली है। तख्ते के तुरन तक उन्होंने लिखा सारा हाल। सो फिर कहिंदे अमृत वेले उठे, नितनेम किया, इशनान पानी करके, फिर सेब खाधा,
फिर अपने जिवें आप सोहला साहब आप पढ़ते हाँ अंतम संस्कार के उत्ते पढ़िया जाता आप अपना सोहला साहब पढ़िया तो चिट्टे बाने ते केसरी दस्तारा ते फांसी दे तख्ते ते जाके बगैर मूँह ते कोई कपड़ा पाया जकारे छड़दियां फांसी का रस्सा चुम के अपने गल दे विच पाया ते परिवार क्योंकि मोह की गल आई है ना इत्थे मोह किवें छड्डा छड्डिया कली पुरातन गल थोड़ा हुण भी छड्डिया परिवार नूं उन्होंने हदायत की सी कि साडी मौत नहीं होनी साडे विआह होणे आ ते तुसीं घोड़ियां गाउणियां ते परिवार ने पूने के गुरद्वारा साहब क्योंकि उन्होंने ठहराया गया सी परिवार ने घोड़ियां गाइया खुशी के गीत गाए तो जो उन्होंने खबर दी गई ना कि तुहाडे पुत्र फांसी से चढ़ गया शहीद हो गया जकारे छड़े वधाइया दित्तियां एक दूजे को ते एक दूजे का बर्फी नाल मूँह मिठा कराया ये मोह का त्याग जे गुरु साहब ने कहा आ तो सिखा ने करके भी विखाया ये साडा इतिहास है कल के दिन उन्होंने शहादत का जाम पीता सो कहन तो भाव कि जो गुरु साहब कहिंदे जे कित असी उन्हों कमाउन लग पईए ना तो साडा जीवन वाकई स्वर्ग बन सकता सानू कोई चीज़ दुखी नहीं कर सकती वेखो इत्थे तख्त ते बैठे हुए राजभाग भोगदे हुए दुखी ने ते कोई फांसी दे तख्ते ते भी खुशी दे गीत गा रहा ये तो वड्डा आत्मक सुख केड़ा हो सकता वड्डा सबूत केड़ा लेना ये तो ज़्यादा कोई सो बाणी है उन्होंने एक गल बड़ी प्यारी लिखी भाई जिंदा जी कहिंदे वीर सुखिया बाबा दीप सिंह कोलों गुरु साहब ने कृपा की कि पहला बाणी पढ़ाई बाणी लिखाई तो बाद में खंडा चलवाया तो साढ़े को पहला खंडा खड़कवा लिया तो बाद च बाणी पढ़ाई बड़ी बाणी पढ़ाया करते सन जेल च बैठे तो कहिंदे सानू तो कई बार यह महसूस हुंदा आ कि असी इत्थे पुणे की जेल के बाणी पढ़न वास्ते आए हैं तो जिन्ना चिर हो रहे हैं ना किसी कैदी तो सख्ती नहीं हुई किसी को किसी ने वो ये तक भी नहीं आख्या इन्ना ज़्यादा उन्हों का भाव सी तो जिन्ना चिर वो जेल च रहे उन्होंने जेल वाले कपड़े नहीं पाए पूरी जरूरत ना रहे जे बैरक की तलाशी भी लैंड देनी होंगी सी ना तो वो आप कली कली चीज़ करके विखाते किसी की जरूरत नहीं सी कि उन्होंने बैरक जाके कोई व्डे तो व्डा अफसर भी जो आता सी जकारा छड़ते लत्तां कंबन लग पैंदियां सी जिक्र किया उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी विथिया है सो कहन तो भाव के प्रणाम है सिर झुकदा है ऐसियां नूं जिन्हां ने वाकई मोह का त्याग किया सचमुच ही मोह का त्याग किया सो सतगुरु पातशाह रहमत करन गुरदेव कहिंदे आ कि एक तां जे नाम दा दान लैना ही है ना तज मोह पहला तां मोह त्याग दे भरम कहिंदे कि अपने अंदर भरम ना कोई भी रख भरम बहुत वड्डी बला आ भरम ऐसी बला आ कि हनेरे विच सप रस्सी लग सकदा है ते रस्सी सप लग सकदी है भरम ऐसी चीज़ है सो इस वास्ते एक तो भरम नहीं कदे भी मन च पालना किसी भी किस्म का बिल्कुलों जिमें कहते हैं ना कि बेफिक्र हो के सतगुरु पातशाह के चरणा च आना यह विश्वास रख के आना कि जे इत्थे आ गए एक तो ये तो वड्डा दर कोई नहीं तो एक ये दर छड़ के सानू कि होर जाने की लोड़ नहीं तो जे कि कहने ना कि शायद जाना पवे होर कि चले जाइए तो यह बहुत वड्डा भरम है कुछ भी कितों होर नहीं प्राप्त हो सकता जो इतों प्राप्त हो सकता है सतगुरु कहिंदे कि तज मोह भरम सगल अभिमान ते सारे किस्म का अभिमान किसी किस्म का भी अभिमान तेरे अंदर नहीं होना चाहिए ना तेरे अंदर तेरे धन का तेनों अभिमान होना चाहिए ना तेरे को जे कोई परमात्मा ने तेनों गुण दे दिता उहदा अभिमान होना चाहिए ना तेरे को समाजिक किसी रुतबे का अभिमान होना चाहिए आ इतों तक कि जे गुरु साहब ने तेरे ते कृपा कर दिती है तू नितनेमी है बाणी पढ़ता है तू बाणी ते बाणी का धारनी तेरे अंदर इस गल का भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर रहा क्योंकि कोई पता नहीं कि ये जिन्ना चिर बेड़ी समुद्र दे विच है ना पानी दे विच आ उन्ना चिर कोई पता नहीं कि केड़े केड़ी छल ने बेड़ी नूं उलटा देना जिन्ना चिर जीवन सफर दे उत्ते पता नहीं कित्थे पैर तिलक जाना इस करके इस गल का भी अभिमान नहीं करना कि मैं बाणी बहुत पढ़दा
मैं बहुत नितनिमी हाँ, मैं बाणी का भी धारनी हाँ, यह भी उहदी बख्शिश है। इस करके क्योंकि सगल अभिमान लभ जाया ना कि सारे किस्म का अभिमान अपने अंदरों त्यागना है। सो सतगुरु पातशाह रहमत करन, ये जो विचार आप सरवण करते हैं विचार के अनुसार सानू चलना आ जाए तो ही साडे लोग सुखी है, पर लोग सहले हो सकते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, अज की इस विचार दियाँ अखीरलियाँ पंक्तियाँ पढ़ के फिर समाप्ति करिए। गुरुदेव बख्शिश करते हैं, किरपाल दया मया धार, नानक मंगै नामदान, तज मोह भरम सगल अभिमान। सतगुरु पातशाह रहमत करन, विचार करदे आ एक नहीं अनेक तरह दियां भुलां हो गईयां होणगियां। गुरु ते गुरु की संगत ब